हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। यातायात व्यवस्था बाड़मेर शहर दीपावली पर्व को लेकर व्यवस्था में सुधार लाया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा के निर्देश अनुसार बाड़मेर शहर में भीड़भाड़ ज्यादा होने से आम जन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस कारण दुकानदारों व ठेले वालों से समझाइश किया गया व बिना मास्क दुपहिया वाहन चालकों के चालान काटे गए। यातायात पुलिस प्रभारी लील सिंह ने बताया कि करवा चौथ व दीपावली पर्व को लेकर यातायात व्यवस्था में सुधार लाया जा रहा है। आज बिना मास्क पाए जाने पर चालक के चालान काटे गए। आज गाघी चौकी से स्टेशन रोड तक सड़कों पर खड़े ठेले वालों व दुकानदारों को समझाकर अपना सामान पीली पट्टी के आगे न रखने, शहर फोर वाहन आम सड़कों पर खड़ा पाए जाने पर उनके चालान काटे गए, साथ ही वाहन सीज करने की कार्रवाई की जाएगी। आज बिना मास्क पाए जाने वालों को मास्क लगाकर हिदायत दी गई। हमेशा मास्क लगाकर ही रखें, आप जागरूक होंगे तो परिवार व सब जागरूक होंगे। जागरूक टीवी के संवाददाता से बात करते हुए यातायात पुलिस प्रभारी लील सिंह बाड़मेर इन्होंने ये कहा, तो जहाँ अव्यवस्था होती है तो उनके खिलाफ आवश्यक रूप से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बिना मास्क वाले लोग बिना मास्क वालों के लिए भी समझाइश की जा रही है और बिना मास्क के चालान भी किए जा रहे हैं, और कुछ मास्क पुलिस विभाग की ओर से वो भी जो जरूरतमंद है उन लोगों को मास्क वितरण भी किए जा रहे हैं। जागरूक टीवी के लिए बाड़मेर से ठाकरा राम मेघवाल की रिपोर्ट।